लाखों का पुण्य कमाइए, लोगों को यात्रा का वीडियो भेजकर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब। तो चलिए आज आपको लेकर चलता हूँ गुजरात के वडनगर महसाणा जिले में, जिस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते थे और जिनके दर्शन करके उन्होंने जीवन में इतनी ऊंचाइयां हासिल की। आज आपको दर्शन करवाऊंगा हाटकेश्वर महादेव के। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, उन मंदिरों के दर्शन करवाऊंगा जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये सब मंदिर ना फेसबुक पर होते हैं ना व्हाट्सएप पर ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मंदिरों के दर्शन करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, रोज एक मंदिर के दर्शन। प्रसिद्ध मंत्र तो आपने सुना ही होगा, आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रियलिंगम नमस्तुते। इसका मतलब है कि आकाश में सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है तारका, पाताल में है हाटकेश्वरम जिसके अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ, पाताल से प्रकट हुए हैं, और मृत्युलोक यानी धरती पर है महाकाल, ये सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग है। तो चलिए अब कथा सुनते हैं कि कैसे ये शिवलिंग पाताल से आया। जब सती माता ने हवन कुंड में कूदी थी तो महादेव दिगंबर यानी नग्न अवस्था में यहाँ से गुजर रहे थे, तो ब्राह्मणों की पतियानियों ने काम काज छोड़कर महादेव के दर्शन करने लगी। महादेव को दिगंबर अवस्था में देख और अपनी पत्नियों को देख ब्राह्मण कुछ और ही समझ बैठे, तो उन्होंने महादेव को श्राप दे दिया कि आपका लिंग पाताल लोक में चला जाएगा। महादेव सती के वियोग में दुखी थे तो वो एकांत में चले गए। उनके एकांत में जाने से राक्षसों का प्रकोप बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया। तब ब्राह्मण विष्णु और ब्रह्मा जी ने जाकर शिव जी से प्रार्थना की कि आपका पुत्र ही इन राक्षसों को मार पाएगा, और सती जी ने भी पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। तो ब्राह्मणों और ऋषियों की प्रार्थना से पाताल से लिंग प्रकट हुआ, जिसे महादेव ने फिर से धारण किया और फिर उनकी संतान हुई जिसने राक्षसों को मारा। ये वही शिवलिंग है जो पाताल लोक से प्रकट हुआ। ऊपर तो विशाल है शिवलिंग, लेकिन इसकी जड़ें पाताल लोक तक हैं। हाटकेश्वर, हाटक का मतलब स्वर्ण यानी सोना भी होता है। तो ब्राह्मणों ने शिवलिंग के ऊपर सोना चढ़ा के महादेव की स्तुति की थी और महादेव को प्रसन्न किया था। मंदिर के गर्भगृह में धोती पहने बिना आप नहीं जा सकते, तो घर से धोती लेकर आएं, क्योंकि अगर पब्लिक ज़्यादा होगी तो धोती की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो शिवलिंग को जाकर छू नहीं पाएंगे। नागर ब्राह्मणों के कुल देवता हैं हाटकेश्वर महादेव, आगे ये हैं पंचनाथ महादेव, क्योंकि पांच शिवलिंग है इसलिए कहलाए पंचनाथ महादेव। महाभारत और रामायण काल की नक्काशी पत्थरों पर बनी हुई है, जिसे आप परिक्रमा में दर्शन कर चुके हैं। मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग, अम्बा जी की मूर्ति, छटपटिया हनुमान जी की मूर्ति है, पंचनाथ महादेव के दर्शन आपने किए, ऐसे काफ़ी छोटे छोटे मंदिर भी हैं मंदिर में। श्रावण मास के सोमवार में यहाँ पर मेला लगता है। मंदिर 700 साल पुराना है, नागराजा हरिराज नायक ने ये मंदिर बनवाया था। ये मंदिर अहमदाबाद से 111 किलोमीटर दूर, महसाणा से 47 किलोमीटर दूर, और नज़दीकी रेलवे स्टेशन है या महसाणा या फिर सिद्धपुर यानी जिसे मातृगया जी भी कहा जाता है। तो हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखिएगा, और जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड करके पुण्य कमाया है, ऐसे आप भी लोगों को दर्शन करवा के पुण्य का काम करिए। इसके बाद अगले वीडियो हैं मेरे वीजा हनुमान मंदिर, अरनेज के बूट भवानी, कोट गणेश, अहमदाबाद की भद्रकाली मंदिर, अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर, ऐसे ही 400 वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर मेरे, जिनके नाम बहुत कम लोगों ने सुने हैं, क्योंकि वो मंदिरों के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर नहीं घूमते। तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और महादेव की कृपा प्राप्त करिए। तो हर हर महादेव।